ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे आप सबके बीच दोबारा आने का अवसर मिला है। अभिनवगुप्त नंद ऋषि की यह मुकद्दस धरती तमाम शायरों, अदीबों और दानिशवीरों की तपस्या की धरती है और प्राचीन सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत तथा आला उसूलों ने बडगांव को हमेशा ऊर्जायमान रखा है। मैं विशेष रूप से हरदिल अजीत DDC चेयरमैन साहब का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अनेक बार याद दिलाया कि बीरवा आपको आना है, बीरवा के लोग इंतजार कर रहे हैं। ये बीरवा के मेरे भाइयों बहनों की मोहब्बत है, मुझे खींच कर बीरवा ले आई और आपके DDC चेयरमैन साहब का स्नेह है और ये हकीकत है। अभी चेयरमैन साहब बोल रहे थे, आपने उनको सुना है, मैंने भी ध्यानपूर्वक सुना है। तारीखें बदली, जमाने बदले, सदियां बदली, लेकिन इतिहास में बीरवा ने कभी भी मोहब्बत की समा को बुझने नहीं दिया। आपके जोश, जज्बे और मोहब्बत को मैं चंद शब्दों में बयां करने की कोशिश करूंगा। आंसू को कभी ओस का कतरा न समझना, आंसू को कभी ओस का कतरा न समझना, ऐसा तुम्हें चाहत का समंदर न मिलेगा। ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा, कोई दर न मिलेगा। पिछले 3-3.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन का, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हम सब का एक ही लक्ष्य रहा है, आपकी खुशहाली, आपकी तरक्की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3.5 वर्षों में जितने भी कदम उठाए उसमें कोशिश की गई है कि आवाम की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। आपके परिवार के जो सपने हैं उन्हें कैसे साकार किया जा सके, पिछले इन वर्षों में मैं और मेरे प्रशासन के मेरे सहयोगियों ने शांति समृद्धि के लिए पूरी ताकत से काम किया है, जूझते रहे हैं। हर एक चुनौती को हमने आम जनता, किसानों, व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं के लिए अवसरों में बदलने की कोशिश की है। पिछले कुछ वर्षों में पूरे सामर्थ्य और समर्पण भाव से काम करके पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं। आज मैं संतोष से यह कह सकता हूं कि पिछले 3.5 वर्षों में भी जम्मू कश्मीर में जन सामान्य की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो काम किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस प्रकार बढ़ाया गया है, अनेक परिवर्तन लाकर आम आदमी कैसे संपन्न हो, इसकी कोशिश की जा रही है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर की तारीख में मुझे नहीं लगता है पिछले 3-3.5 वर्षों में कभी इस तरह के काम हुए होंगे। तरक्की की बातें तो हम सुनते आए थे या लोगों से मिलते हैं तो सुनते हैं, लेकिन ये सच्चाई उतनी ही कड़वी है कि तरक्की कुछ चंद परिवारों तक, कुछ खास लोगों तक जुड़ी हुई थी। आम नागरिक के लिए तरक्की दूर की बात थी, अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। फैज साहब कहा करते थे, अगर इंतजार कठिन है तो जब तलक कह दिल किसी के वादाए फरदा की गुफ्तगू ही सही। और यही हुआ भी,
जो वादे नहीं निभाए गए, साल दर साल उन्हीं की गुप्तगू चलती रही। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बदलाव पिछले 3.5 वर्षों में हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी कुछ दिनों पहले 2500 करोड़ रुपए की लागत से 1500 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं जो कोई 5 साल से लटका हुआ था, कोई 10 साल से लटका हुआ था, कोई 15 साल से लटका था, कुछ ऐसे भी थे जो 20 साल पहले शुरू हुए थे, पूरे नहीं हुए थे। बड़गांव जिले की भी ऐसी 83 ऐसी प्रोजेक्ट थी जो लंबे समय से लटकी पड़ी थी, अब उन्हें जाकर पूरा किया गया है। कुछ दिनों पहले मैंने उन प्रोजेक्ट्स का कंपेडियम लॉन्च किया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औसतन हर प्रोजेक्ट के पूरा होने से 7-8 हज़ार लोगों के जिंदगी को प्रभावित करने में हमें सफलता मिली है। मैं मानता हूँ कि रोड हो, ब्रिज हो, हेल्थ केयर सेंटर हो, स्कूल हो, वाटर सप्लाई स्कीम हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे के पूरे आवाम के पुरुषार्थ को प्रभावित करते हैं और लोगों के अंदर जो जिजीविषा, जो जुनून होता है, उसे सही रास्ता भी मिलता है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग के सफल आयोजन ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर अब पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता है, बल्कि एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनना चाहता है। यह आयोजन इस बात को भी प्रतिबिंबित करता है कि आम नागरिकों के जीवन में समृद्धि आ रही है, सकारात्मक बदलाव यहाँ की आवाम चाहती है और जम्मू कश्मीर, ये प्यारा जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाई भी छूना चाहता है। सभी नागरिक इस बात से वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई आयोजन हुआ नहीं था, लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदलकर जम्मू कश्मीर प्रशासन तथा जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक संगठित टीम की तरह काम किया और पूरी दुनिया में एक नए और आकांक्षी जम्मू कश्मीर की तस्वीर प्रस्तुत की। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए भी मैं बड़गांव जिले के बीरवा के सभी नौजवान साथियों, नागरिकों, माताओं, बहनों को हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। साथियों, 2019 के पहले केंद्र सरकार से ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं आता था, धन पहले भी आता था, बावजूद जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति के प्रोजेक्ट पूरे होने की रफ्तार बड़ी कम थी। 18-19 में 9229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे और पिछले फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अब वो संख्या बढ़कर के 92,560 हो गई है। लंबे समय से लोगों के मन में जो निराशा थी, स्वाभाविक रूप से इसके कारण वो दूर हो रही। पिछले कुछ वर्षों में कुल मिलाकर 1,65,000, इन 3.5 वर्षों में 1,65,000 प्रोजेक्ट पूरे करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है और मैं मानता हूँ कि तरक्की के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड भी है ये। मैं सभी भाइयों बहनों को भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके सपने अब हमारे और हमारे प्रशासन के संकल्प बन चुके हैं। हम सबकी सामूहिक कोशिश है कि आपकी ख्वाहिशों को नई ऊंचाई दी जाए और जम्मू कश्मीर में जिस बदलाव का सपना अनेक पीढ़ियों ने देखा है, उसे पूरा किया जाए। साथियों, एक चिंता यहाँ हमेशा थी कि युवाओं और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का सहारा नहीं मिलता था। नौजवानों को सिर्फ एक रास्ता दिखाया गया था कि तुम सरकारी नौकरी कर लो, बाकी तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारे सपने, सब तुम्हारी जिम्मेदारी। और नौकरी में भी
पूरी प्रक्रिया ऐसी बना दी गई थी, जो लोग रसूखदार थे सिर्फ नौकरी उन्हीं को मिलती थी। गरीब परिवार के तेजस्वी विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सिर्फ इंतजार करते थे। अब इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले लगभग 3 वर्षों में 30,000 सरकारी नौकरियां जो मिली हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिली है जिसमें प्रतिभा की कमी हो। रसूख के सहारे या बैकडोर के सहारे एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। मैं मानता हूँ रिक्रूटमेंट में अगर कहीं शिकायत आई तो उसकी जांच कराई गई और जांच में थोड़ा भी तथ्य मिला तो उसे रद्द भी किया गया और जांच सीबीआई को दी गई। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी गलती की है, कानून पूरी तरह से उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगा। नजीर साहब और उनकी पीढ़ी के लोग इस बात को जानते हैं कि नौकरी की लिस्ट कहाँ बनती थी, कितने रुपए में नौकरियां बाजार में बिकती थी, कितने रुपए में योग्य नौजवानों की प्रतिभा का मोल लगता था। अब नौकरियां मित्रों बाजार में बिकनी बंद हो गई हैं। जिन रसूखदारों और लोगों ने भ्रष्टाचार के नेटवर्क के माध्यम से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे नौजवान सरकारी नौकरी भी पाएं जो योग्य हैं, जो प्रतिभावान हैं, जो शेष रिक्तियां उनको भी विज्ञापित किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी उस भर्ती की प्रक्रिया को भी हम पूरा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे नौजवान स्वावलंबी बने, इसके लिए भी मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2 का कार्यक्रम हुआ था, उसमें तमाम लक्ष्य रखे थे प्रशासन ने। एक लक्ष्य ये भी था कि हर पंचायत से कम 15 नौजवानों को चिन्हित करना है जिला प्रशासन को, जो स्वयं का कुछ रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं उद्यमी बनना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर प्रशासन वित्तीय सहायता दिलाएगा, हैंड होल्डिंग करेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है, एक दिन में उस कार्यक्रम अभियान के 30 दिन के अंदर, एक दिन में जम्मू कश्मीर के 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। और आज वो केवल खुद रोजगार नहीं पाए बल्कि अपने साथ उसमें कई हैं जो 2-4 नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ रहे हैं। आंकड़े अगर आप देखेंगे, पिछले 3 वर्षों में 7 लाख नौजवान बच्चों बच्चियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और जम्मू कश्मीर प्रशासन की विभिन्न योजनाओं में आर्थिक सहायता मुहैया कराकर भविष्य में वो नई मंजिल तय कर सकें, इसका मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। मिशन यूथ के अंतर्गत मुमकिन तेजस्विनी, परवाज, राइज टुगेदर जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से 70,000 से ज़्यादा नौजवानों को भविष्य की नींव रखी गई है। 6 लाख से अधिक बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने में हमें सफलता मिली है और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता से वो अपने परिवार की नई किस्मत लिख रही हैं। पिछले वर्ष मैंने मागम बटगांव में सोजनी हस्तशिल्प स्फूर्ति क्लस्टर का उद्घाटन किया था। उस दिन मैंने बीरवा के मशहूर कारीगर बशीर अहमद भट्ट साहब का जिक्र किया था। अगर वो आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं तो मैं उन्हें प्रणाम करना चाहूँगा। बशीर साहब जैसी शख्सियत पर केवल बीरवा और बटगांव को नहीं पूरे हिंदुस्तान को नाज है और मैं चाहता हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट के मजबूत गढ़ के रूप में बटगांव का नाम केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रोशन हो। बीरवा हो, चडूरा हो, नागम हो, चरार शरीफ के सभी आर्टिजन के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को नई ऊंचाई मिले, इसके लिए प्रशासन पूरी शिद्दत से प्रयास करेगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि चाहे वो यहाँ की सोजनी हो या कालीन हो या पश्मीना हो, एक्सपोर्ट हमारा गिर रहा था, नीचे जा रहा था, निगेटिव ग्रोथ हो गई थी। जो इंटरवेंशन प्रशासन ने किए हैं, चाहे वो GI टैगिंग का हो या QR कोड का, फिर से जम्मू कश्मीर का कारपेट और पश्मीना
अब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। गत वर्ष की तुलना में इस साल 890 करोड़ रुपए ज़्यादा का एक्सपोर्ट हम कर सके हैं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले 3 वर्षों में इसे और बढ़ाने में हमें सफलता मिलेगी ताकि यहाँ संपन्नता आ सके। मित्रों, आज मिशन मोड में डिजिटल जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 450 से अधिक पब्लिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे न केवल पब्लिक सर्विस डिलीवरी का समय कम हुआ है बल्कि आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के अलावा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी हमें सफलता मिली है। जो सामाजिक सुरक्षा की हमारी योजनाएं हैं, चाहे उजाला हो, उज्ज्वला हो, इंद्रधनुष हो, इस तरह की सभी लाभार्थी योजनाएं 100% उनका सैचुरेशन हो जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर को 2020-21 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर को 2020-21 और 21-22 के वित्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला था। इस योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में 6,922 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण जम्मू कश्मीर में हुआ है। बडगांव जनपद में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 58 रोड प्रोजेक्ट्स 200 करोड़ रुपए की लागत से पूरे किए गए हैं तथा ब्रिजेज की 124 अन्य योजनाओं को पूरा करके बडगांव में भी कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की भागीदारी से तैयार किए गए डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत 21-22 के वित्तीय वर्ष में 791 करोड़ की लागत से 3650 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। पिछले वित्तीय वर्ष में 22-23 में 1272 करोड़ रुपए की लागत से 6760 प्रोजेक्ट पूरे किए गए और इस वित्तीय वर्ष में भी मुझे लगता है कि जो लक्ष्य रखा है उसे निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर और बडगांव जिले का प्रशासन पूरा करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की सामूहिक चेतना को निश्चित रूप से जागृत करने का काम किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक के विकास को प्राथमिकता दी है। जैसा अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे, 3-tier पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और आज यह व्यवस्था आवाम के हर एक वर्ग में हर एक तबके की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है प्रशासन के साथ। 3-tier पंचायती राज व्यवस्था ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, एक एस्पिरेशनल सोसाइटी बनाने में सहयोग किया है और आज मैं लोगों से कहता हूँ कि आप बड़े से बड़ा सपना देखो, प्रशासन हर संभव कोशिश करेगा कि आपके सपने पूरे हों। नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं। सबा फिर हमें पूछती फिर रही है, चमन को सजाने के दिन आ रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूँ बड़गांव की 87% आबादी कृषि पर अपना जीवन यापन करती है। बड़गांव के किसान भाइयों की सुविधा के लिए 42 करोड़ की लागत से इरिगेशन के 7 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है, लेकिन आपके यहाँ ये आबादी और भी ज़्यादा है। आपकी प्रगति और समृद्धि के लिए हर कोशिश की जाएगी। आज हमारा जम्मू कश्मीर का किसान भाई कमाई के मामले में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे आपकी खुशहाली के लिए हमारे प्रशासन का कमिटमेंट है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, जब किसान संपर्क अभियान के लिए मैं आया था, जो एग्रीकल्चर वेलाइड सेक्टर का बजट है उसके अलावा 5,013 करोड़ रुपए की लागत से हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के 29 प्रोजेक्ट जमीन पर लागू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ
ये आमदनी में काफ़ी वृद्धि होगी, आपके फाइनेंशियल आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी और अगले 5 वर्षों में केवल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से 3 लाख से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे। एग्री इंटरप्रेन्योर्स 20,000 से ज़्यादा खड़े कर सकेंगे। सभी किसान भाइयों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए किसान संपर्क अभियान चल रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जब भी आपके पंचायत में कार्यक्रम हो आप जरूर शामिल हों। मैं जनप्रतिनिधियों से भी मैंने आग्रह किया था, आज भी मैं कह रहा हूं प्रबुद्ध नागरिकों से भी कि आपकी सक्रिय भागीदारी इसमें अपेक्षित है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके गाँव में प्रोग्रेसिव फार्मर कौन है, कितनी महिलाएं हैं जो खेती बाड़ी से जुड़ी हैं, कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कितने एफपीओज बने हैं या कितने मार्जिनल फार्मर हैं। अगर पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा कर लिया जाए और पूरी कम्युनिटी की सामूहिक ऊर्जा इन कामों में लगा दी जाए तो हम न सिर्फ इस योजना को सफल बना सकेंगे बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को अमृतकाल में तरक्की की एक नई दिशा भी ले जा सकेंगे। सभी के सहयोग से अगले 5 साल में बडगाम के कृषि क्षेत्र में मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बढ़ाना चाहते हैं। गांव-गांव में कृषि और अलाइड सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रोजगार के अवसर बढ़ाने, युवाओं को खेती से जोड़ने और एग्री स्टार्टअप शुरू करने, खेती में किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने, किसानों को हर प्रकार से संपन्न बनाने और छोटे किसानों को समाज की ताकत के रूप में परिवर्तित करके इन 7 लक्ष्यों और 7 संकल्पों के साथ हम काम करना चाहते गए। मुझे बताया गया है कि बडगांव में 91,410 किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है और उन्हें लगभग 189 करोड़ रुपए मिले हैं। 40,328 किसान क्रेडिट कार्ड बडगांव जिले के किसानों को दिया गया है और कुल 654 करोड़ रुपये बैंकों ने किसान भाइयों को आर्थिक सहायता दी है। 29,725 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूनिट स्थापित करके जिसमें 949 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आयुष्मान भारत सेहत के तहत 4,85,288 गोल्डन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। 22,000 से ज़्यादा लेबर कार्ड भी इशू किए गए हैं जिसके आधार पर 30 करोड़ से की धनराशि उनको प्राप्त दी गई है। बडगांव के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 24 मेजर प्रोजेक्ट के अपग्रेडेशन के काम शुरू हुए थे जिन्हें 37 करोड़ से ज़्यादा की लागत से पूरा किया गया है। हेल्थ केयर फैसिलिटी के 18 प्रोजेक्ट 92 करोड़ रुपए की लागत से पूरे किए गए हैं। साथियों, हमारी आवाम समर्थवान हो इसके लिए निरंतर प्रयास की ज़रूरत है। सभी योजनाओं का लाभ मिले ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर मैंने कुछ लोगों का कमेंट पढ़ा था कि साहब चेवदरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गया है लेकिन शुरू नहीं हुआ। मैं आपको पूरा तथ्य बताना चाहता हूँ, यह प्रोजेक्ट भी लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया गया है। यह पूरी तरह से बना नहीं था, इसे JKIDFC ने 1,78,00,000 रुपये खर्च करके बनाया है और इसे शीघ्र ही ऑपरेशनल किया जाएगा ताकि 30,000 लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नोपोरा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तालपोरा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हंजूरा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आरिपंथन और चरारे शरीफ के नर्सिंग हॉस्टल को भी लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया जा चुका है। इन सभी प्रोजेक्ट्स का लाभ अब आम नागरिकों को मिलेगा। बडगांव के आम नागरिकों के जीवन में बदलाव हो, व्यवस्था में बदलाव हो तथा यह जिला जम्मू कश्मीर के किसी जिले से पीछे न रहे बल्कि सबसे आगे हो, इसका हर प्रयास किया जाएगा। इसके लिए बडगांव का जिला प्रशासन भी और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से प्रतिबद्धित है। अभी चेयरमैन साहब ने कई बातें कही हैं, मैं 4-5 बातों का जिक्र करूँगा। जैसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप सब जानते हैं, उसके लिए प्रशासन ने 71 कैनाल ज़मीन चिन्हित कर ली है, पैसा भी है, आज भी उसका शिलान्यास हो सकता था लेकिन अभी टेंडर नहीं हुआ है, इसलिए उचित नहीं होता कि आज इसका शिलान्यास शुरू किया जाए।
जल्द टेंडर करा करके आने वाले 3 महीने के अंदर वो काम शुरू होगा और उसे पूरा करा लिया जाएगा। चेयरमैन साहब ने अभी कहा कि डिग्री कॉलेज, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ कि कश्मीर क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कैंपस यहीं बडगांव जिले में बनेगा और प्रशासन ने उसके लिए ज़मीन भी चिन्हित कर ली है और ज़मीन काफ़ी दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उस प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करा करके और उस काम को भी जल्दी शुरू कराया जाएगा। तीन जो महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो तोस मैदान हो, दूधपत्थरी हो या युसमर्ग हो, इसको कंसर्टेड तरीके से इसका एक होलिस्टिक प्लान बना करके इन तीनों स्थानों को विकसित करने का काम आने वाले समय में शीघ्र हम पूरा करेंगे। आप सब जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसका काम भी तेज गति से चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले बहुत चंद समय में अब निफ्ट, जो भारत सरकार की एक बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जिसे IIT और IIM का दर्जा दिया गया है, वो निफ्ट भी चेयरमैन साहब बडगांव जिले में ही होगा और जम्मू कश्मीर नहीं, देश के लोग आकर के बडगांव में पढ़ेंगे। मैंने बताया आपको कि जो काम है डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के, उनके टेंडर हो गए हैं, वो काम भी शुरू होंगे। जम्मू कश्मीर बडगांव के जिला प्रशासन को, खासतौर से यहाँ के DC साहब और SSP साहब को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब को। इन लोगों ने मिल करके एक अभियान शुरू किया है नशा मुक्त बडगांव बनाने का। 5 पंचायतों को अब तक इन लोगों ने नशा मुक्त बनाने में सफलता पाई है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये सबका मैं समझता हूँ इससे पवित्र कोई काम नहीं है। एक युवा पीढ़ी बर्बाद हो इसकी कोशिश की जा रही है, एक साजिश की जा रही है। इस अभियान को आप भी मिलजुल करके सफल बनाइए और मैं उस दिन फिर आना चाहता हूँ जब पूरा बडगांव जिला ये गर्व से कह सके कि बडगांव जिला नशा मुक्त हो गया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे आप निश्चित रूप से पूरा करें। मल्टी लेवल कार पार्किंग का काम भी तेज गति से चल रहा है और मुझे लगता है कि शीघ्र पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का काम जो हो रहा है उससे मैं समझता हूँ कि बडगांव जिले को भारी मात्रा में ऐसे क्षेत्र जो अभी तक अनकनेक्टेड थे वो कनेक्टेड होंगे और उससे भी आवागमन में ही केवल सुविधा नहीं होगी बल्कि मैं मानता हूँ कि रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका और संगिनी, इनके रिक्रूटमेंट का काम भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि 5,000 नए प्रधानमंत्री आवास योजना भी जल्द ही इस हफ्ते में बडगांव जिले को दे दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से। ये जो बीरवा की केव्स हैं, इन्हें भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात बार बार उठती है, इसका एक डिटेल प्रोजेक्ट बना करके इसके लिए जो धन आवश्यक होगा उस धन को उपलब्ध कराया जाएगा और इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। आपके लैंड रिकॉर्ड भी काफ़ी हद तक 99.2% डिजिटाइज कर दिए गए हैं। मुझे DC साहब ने कहा है कि इस महीने में ही 100% डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा। अभी तक बडगांव जिले के 55% हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन प्राप्त हुआ है, इस महीने में ये 70% हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर तक सभी घरों में निश्चित रूप से जल से नल, स्वच्छ जल उपलब्ध हो जाएगा। मोटे तौर पर जो बातें मेरे ध्यान में लाई गई थी वो उनका एक विवरण मैंने आपके सम्मुख रखा है। मित्रों, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, विकास की अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त होती है शांति। शांति में ही विकास होता है। कुछ ताकतें हैं जो रह रह करके इस शांति को बिगाड़ना चाहती हैं। प्रशासन की ओर से हम सब कोशिश कर रहे हैं किसी भी बेगुनाह आदमी को पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स के लोग न छुएं। और अभी भी हम फिर आपसे दोहराना चाहते हैं और आपको भरोसा देना चाहते, अगर कहीं भी आपको लगता है किसी बेगुनाह के साथ कोई दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर बताइए, मैं आपको
आश्वस्त करता हूं किसी बेगुनाह को पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स या प्रशासन नहीं छुएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिशा में जम्मू कश्मीर जा रहा है, दुनिया की जो अपेक्षाएं हैं, देश के लोग जो देखना चाहते हैं, अभी आपने G20 का सफल आयोजन किया, उससे एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को गया है, जम्मू कश्मीर विकसित भारत में अपना योगदान दे सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि आने वाले 25 वर्षों में भारत एक विकसित भारत हम बनाएंगे, समर सक्षम और संपन्न भारत बनाएंगे, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए, हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है और ये यही वक्त है, सही वक्त है कि जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़े और विकसित भारत में सबसे ज़्यादा योगदान जम्मू कश्मीर के लोगों का हो, यहाँ की बागवानी का हो, यहाँ की कलाकारी का हो, यहाँ के नौजवानों का हो। इसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यहाँ के DDC चेयरमैन साहब का विशेष रूप से आभारी हूँ। सामान्य तौर पर लंबे समय तक मैंने भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम किया है, उसूल पर जो चलने वाले लोग होते हैं निश्चित रूप से मंजिल पाते हैं। षड्यंत्रों के कारण अगर इनको कभी पीछे हटना पड़ा है तो मैं आपको भरोसा देता हूँ वो समय खत्म हो गया। चुनाव भी होंगे तो निष्पक्ष होंगे, प्रशासन कोई भी काम और कार्रवाई करेगा तो निष्पक्षता के साथ करेगा। अब वो दिन लद गए हैं। अब देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों पर डाका डालने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है, ये जरूर हम सुनिश्चित करेंगे। मैं इतनी ही बात कहता हुआ म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन साहब को भी और हमारे जो अभी बहुत ही बढ़िया उद्बोधन उन्होंने किया, इन सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए और आने वाले समय में आप खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर बढ़ें, मैं इतनी बात कह के और आपसे विदा लूँगा। मुझे लगता है कि 2019 के बाद 16,50,000 टूरिस्ट बटगांव के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आए थे, लगभग 4,00,000 टूरिस्ट आता है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं 8,00,000 से ज़्यादा टूरिस्ट हर साल बटगांव जिले के विभिन्न स्थानों पर आएंगे। ख्वाब हमेशा अमन चैन से ही पूरे होते हैं मित्रों, इसलिए तरक्की की राह में हमें अमन कायम रखते हुए ऐसे तत्वों को आवाम से अलग थलग करना होगा जो किसी तरह भी आपके ख्वाबों में आवाम की तरक्की में रोड़ा अटकाते हैं। और निश्चित रूप से नशे के उन कारोबारियों के खिलाफ भी प्रशासन को और आपको एक साथ एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तमाम चुनौतियाँ आएंगी, कठिनाइयाँ पैदा होंगी, लेकिन अगर हम मिल करके रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक हम इसका मुकाबला भी कर सकेंगे और एक साथ कदम मिलाकर चलेंगे। अंत में चार पंक्तियाँ कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा। कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफ़र थोड़ी दूर साथ चलो, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है ये जानता हूँ, मगर थोड़ी दूर तो साथ चलो। अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी है दूर शहर थोड़ी दूर साथ चलो, थोड़ी दूर साथ चलो। और हम यकीन दिलाते हैं कि आप साथ चलेंगे तो विकास के नए कीर्तिमान बटगांव और जम्मू कश्मीर हासिल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।